राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये रक्तदान शिविर रोटरी क्लब बिलासपुर के सौजन्य से ब्यास रक्तदाता समिति इको क्लब एनसीसी आर्मी विंग महाविद्यालय बिलासपुर के सहयोग से आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर में 23 लड़के व लड़कियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य रामकृष्ण ने किया। उन्होंने रक्तदान शिविर के प्रथम रक्तदाता सुशील पुंडीर को सम्मानित किया। सुशील पुंडीर ने लगातार 118 बार रक्तदान किया है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष भूपेंद्र टांडू, सचिव अनिल शर्मा, ब्यास रक्तदाता समिति के संस्थापक कमलेंद्र कश्यप, सलाहकार सुरेंद्र गुप्ता, हरिओम सरीन, डॉक्टर टंडन टेकचंद सोनी ने मुख्य अतिथि को सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि रक्त का मोल नहीं है, रक्त अनमोल है, इसलिए सभी को रक्तदान करना चाहिए। रक्त की कमी सिर्फ रक्त ही पूरी कर सकता है। उन्होंने रोटरी क्लब ब्यास रक्तदाता समिति का महाविद्यालय में रक्तदान शिविर लगाने का धन्यवाद किया। इस अवसर पर समिति द्वारा रक्तदान करने वाले सभी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। जम्मू कश्मीर से सटे जिला चंबा से आतंकी घुसपैठ पर हिमाचल प्रदेश में भी फिदायीन हमला कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय खुफिया सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हिमाचल में आतंकियों के घुसपैठ और हमले की सूचना के बाद प्रदेश पुलिस ने हिमाचल में भी अलर्ट जारी कर दिया है। सुरक्षा की नज़र से अति संवेदनशील पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर से लगती चंबा और कांगड़ा की सीमाओं पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियां भी प्रदेश की सीमाओं पर निगरानी रखे हुए हैं। भाखड़ा बांध रेलवे स्टेशन, भीड़ भाड़ वाले शहरों, बड़े अस्पतालों व धार्मिक स्थलों पर चौकसी बरतने के आदेश दिए गए हैं ताकि हिमाचल की शांत वादियों में कहीं आतंकवादी दहशत ना फैला दें। लिहाजा प्रदेश भर में होटल, विद्युत परियोजनाओं, शस्त्रागार में हथियारबंद जवानों की तैनाती की गई है। राज्य पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ जिलों के एसपी को सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक उत्तराखंड धर्मशाला संतोष पटियाल का कहना है कि सबसे पहले तो वे ये कहना चाहेंगे कि इसको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा जो चंबा की बाउंड्री जम्मू कश्मीर से लगती है वहाँ पुलिस प्रशासन ने पर्याप्त मात्रा में पुलिस जवान तैनात किए हुए हैं और घबराने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से सटे चंबा व कांगड़ा की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उपायुक्त ऋत्विक ठाकुर ने कहा कि मंडी जिला को वर्ष 2021 तक क्षय रोग मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2021 तक पूरे प्रदेश के साथ साथ मंडी जिले को भी क्षय रोग मुक्त बनाया जाएगा। वे जोनल अस्पताल मंडी के सम्मेलन कक्ष में जिला क्षय रोग उन्मूलन समिति तथा जिला टीवी फोरम की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंडी जिला को पूर्णतः क्षय रोग मुक्त करने के लिए अलग अलग कमेटियां गठित की गई हैं। इस काम में विभिन्न विभागों का सहयोग भी लिया जा रहा है। जिला में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा एनजीओ व पीआरआई के सदस्यों द्वारा टीबी मरीजों की पहचान की जा रही है और काउंसलिंग व मरीजों को नियमित रूप से दवाइयां देने के साथ साथ निगरानी रखी जा रही है। क्षय रोग के मरीजों के लिए 6 महीने की दवा सेवन का कोर्स है और यदि मरीज नियमित रूप से दवा लेता है तो 6 महीने में क्षय रोग से मुक्ति मिल जाती है। उपायुक्त ने कहा कि जिला मंडी में क्षय रोग की पहचान, मरीजों की काउंसलिंग, नियमित रूप से दवा देने व निगरानी के लिए गठित कमेटियों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि क्षय रोग मुक्त हिमाचल अभियान में एक्टिव केस फाइंडिंग एक प्रमुख गतिविधि है जिसके माध्यम से क्षय रोग के मरीजों की आसानी से पहचान व जाँच की जा सकती है। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि 2021 तक जिला को क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को
हर पंचायत में ऐसे मरीजों की पहचान करने पर टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने पर काउंसलिंग पर नियमित दवाइयों का सेवन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि ये एक चुनौतीपूर्ण काम है जिसे आपसी सहयोग से पूरा किया जा सकता है। उन्होंने क्षय रोगियों से भी आह्वान किया कि वे सरकारी या सत्यापित स्वास्थ्य केंद्रों में ही जांच करवाएं ताकि बीमारी का सही पता लग सके और रोग के मुताबिक उपचार किया जा सके। उपायुक्त ने पंचायती राज संस्थाओं व स्वयंसेवी संस्थाओं से भी इस मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ग्राम सभाओं में जाकर क्षय रोग के बारे में जागरूक करने के निर्देश भी दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीवानंद चौहान ने क्षय रोग उन्मूलन के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में विस्तार से बताया। बैठक का संचालन जिला क्षय रोग कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अरिंदम रॉय ने किया और क्षय रोग उन्मूल को लेकर प्रेजेंटेशन भी दी। क्षय रोग मुक्ति के लिए सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।